इलाहाबाद में अब गायों का भी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर की कई जगहों पर आपको गाय के गले में बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले पट्टे पड़े नजर आएंगे। केसरिया और हरे रंग की पट्टी वाले इन केसरिया दुपट्टों पर सियासत तेज हो गई है। आप विधायक अलका लांबा ने गाय की राजनीति पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए तीखा तंज कसा है। जनता को तय करना है कि अब गौ माता के गले में जो पट्टा आप बता रहे हैं डाला है, उसे देकर अगर वोट देंगे तो मुझे लगता है दोषी वो नहीं जिन्हें हमने चुनकर भेजा और जो लूट लूट के 70 साल से आज तक भ्रष्टाचार करके हमें खाते रहे, लूटते रहे। दोषी हम होंगे क्योंकि हम उन्हें इन्हीं चीजों को देखकर वोट डाल के दोबारा सत्ता में भेज रहे हैं। दोषी वो नहीं, दोषी हम होंगे। व्यवस्था क्यों नहीं बदलती, ये हम नेताओं से नहीं, खुद के गिरेबान में झांककर हमें पूछना होगा। वहीं एक तरफ जहां विपक्षी इसे मुद्दा बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अब ये वक्त ही बताएगा कि गाय के नाम पर हो रही सियासत का किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।